दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको मालूम है कि ट्रेन के पीछे ये क्रॉस का साइन क्यों बना होता है? अच्छा, ये सब छोड़िए, क्या आपको ये मालूम है कि भारत में किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है? अगर आपको ये सब नहीं मालूम तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेल की पटरियों पर मौजूद पत्थर के बारे में, क्योंकि जब कभी भी आप ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो आपको पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर नजर आते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये पत्थर भला होते क्यों हैं? हम में से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन पर पटरी बिछी होती है, पर ऐसा नहीं है। ये इतना भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट के बने हुए ये जो लंबे लंबे प्लेट आप देखते हैं ना, इन्हें स्लीपर्स कहा जाता है, जिसके नीचे पत्थर बिछे रहते हैं, और इन सारे पत्थरों को बैलास्ट कहा जाता है। अब पत्थरों के नीचे भी दो और लेयर होती है ताकि ऊपर की पटरी पर मजबूती बनी रहे, और तब जाकर जमीन होती है। ट्रैक को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बने होते हैं। उनके नीचे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जो स्लीपर्स होते हैं ना, उनके ऊपर पटरी बिछाई जाती है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये कंक्रीट के बने स्लीपर पटरी के गैप को बनाए रखती है, और इस स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थर सेट करके रखते हैं। यही इन पत्थरों का असली काम है, यानी कि ये पत्थर सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखते हैं, और स्लीपर्स पर इस लोहे की बनी पटरी को एक जगह पर होल्ड करते हैं। यानी कि मेन काम पत्थरों का ही होता है, क्योंकि दोस्तों एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो होता है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि एक लोहे का बना पतला सा जरिया इतना वजन बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में लोहे का, कंक्रीट के बने स्लीपर का और उसके नीचे मौजूद छोटे छोटे पत्थरों का मिला जुला हाथ होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही पड़ता है, क्योंकि ये पत्थर ही वो चीज है जो ट्रैक को एक एक जगह पर फिक्स रखते हैं। लेकिन रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी या फिर पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन पत्थरों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वे एक दूसरे से टकरा कर गोल गोल घूमने लगते, और पटरी एक जगह पर ना टिक पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी हिलने लगती भाई। इसीलिए खास तौर पर नुकीले और दरदरे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जो गोल और सॉफ्ट ना हो। इस तरह के पत्थरों को गिट्टी भी कहा जाता है, ताकि जब भारी ट्रेन उससे पार हो ना, तो ये नुकीले पत्थर आपस में अपनी जकड़ बना ले। गोल पत्थर ऐसा नहीं कर सकते, और इसी जकड़ की वजह से चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी ही भारी क्यों ना हो, ये लोहे की बनी हुई पटरी और स्लीपर्स एक जगह पर फिक्स रहते हैं। इन पत्थरों का एक और काम है, जैसे कि आप जानती होंगे, अगर गिट्टी नहीं डाली जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा। जी हाँ, अगर वहां पर पत्थर ना हो तो घास और पेड़ उगने लगेंगे। ऐसे में पत्थर पेड़ पौधों और घास को भी उगने से रोकते हैं, और तो और ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकने का काम इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों का होता है। यानी कि ये पत्थर भले ही रेलवे ट्रैक पर बेमतलब पड़े रहते हैं, लेकिन इनका बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें ना, तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि लोहे का बना ये रेलवे ट्रैक जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये पत्थर भी हैं जो उसे थाम कर रखते हैं। अब एक और सवाल आपके जहन में गोते लगा रहा होगा, जो कि मेट्रो ट्रेन होती है ना, उसके ट्रैक पर तो ये पत्थर होते नहीं। तो दोस्तों, ये जो रेलवे ट्रेन की पटरियों को बनाने वाला तरीका ना, ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी पत्थरों के। असल में ज्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मेट्रो का ये ट्रैक मिट्टी की जमीन पर नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर ना पेड़ जमने का प्रॉब्लम होता है, ना पानी जमने का। और ये तो आप भी जानते हैं कि मेट्रो ट्रेन का वजन नॉर्मल रेलवे ट्रेन से काफी ज्यादा कम होता है, और वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मेट्रो ट्रेन की पटरियों पर इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और अहम सवाल आपके जहन में गोते लगा रहा होगा, रेलवे ट्रेन के सबसे आखिरी डब्बे पर क्रॉस का निशान क्यों बना होता है? क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो आप कई सारी ट्रेन्स को आते जाते देखते हैं। तब आपने चीज जरूर नोटिस की होगी, हर ट्रेन के लास्ट डब्बे पर क्रॉस का निशान बना होता है। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरी निशान क्या है। असल में क्रॉस का निशान एक साइन है जो ये दर्शाता है कि ये आखिरी बोगी है, और केवल क्रॉस का साइन ही नहीं बल्कि लास्ट वाले डब्बे पर LVV लिखा होता है, जिसका मतलब है लास्ट व्हीकल, यानी कि आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर उसे ही देखकर ये तय करता है कि आखिरी डब्बे पर क्रॉस का साइन बना हुआ है। मान लीजिए उसने ये देखा कि लास्ट वाले डब्बे पर क्रॉस का साइन नहीं बना है और ना ही उस पर LVV लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि आखिरी डब्बे पर क्रॉस का निशान नहीं है। इसका मतलब कुछ डब्बे रास्ते में रुक गए हैं, पर दो डब्बों के बीच का लिंकर भी टूट गया होगा, इसलिए इमरजेंसी के चलते उस पटरी पर आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल ना हो जाए। हालांकि इस तरह की घटना बहुत कम होती है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए
ये बहुत जरूरी है। अब हमारे को समझदार दर्शक ये सोच रहे होंगे कि रात के समय क्रॉस का निशान भला कैसे दिखेगा। तो दोस्त ने समस्या को दूर करने के लिए आखिरी डब्बे पर एक लाल बत्ती लगाई जाती है। ये लाल रंग की बत्ती हर सेकंड में जलती और बुझती है, जिसे देखकर ही स्टेशन मास्टर ये चेक करता है कि लाल बत्ती ब्लिंक कर रही है या नहीं। वैसे दोस्तों, जब हम ट्रेन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि मुंबई में स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन था और भारत की पहली ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक के लिए गई थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसे दोबारा विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से बनाया गया। फिलहाल स्टेशन का नाम 16वीं सदी के महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर उच्चतम रेल पुल का निर्माण कर रहा है। ये पुल कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा लंबा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने वाला है। इसमें 6 इंच से भी ज्यादा मोटा ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस रेलवे पुल को कितनी मजबूती और शानदार तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में रेलवे के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।